लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर लगातार जारी। पहले जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश की और अब राज्य के प्रदेश प्रभारी भी एक के बाद एक इस्तीफा सौंपते नजर आए। आलम यह है कि असम से लेकर पंजाब और साथ ही MP से लेकर राजस्थान तक के दिग्गज नेता अपने पद से इस्तीफे की बात कर चुके हैं और अब तक विभिन्न प्रदेशों के 13 वरिष्ठ नेताओं ने अपना इस्तीफा कांग्रेस के अध्यक्ष के पास भेजा। उधर राहुल को लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रभारी अशोक चव्हाण ने लोकसभा चुनाव नतीजों के अगले ही दिन अपना इस्तीफा देने की बात कही थी और वहीं अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़, झारखंड के कांग्रेस चीफ अजय कुमार और असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा है। अब देखना यह होगा कि पार्टी आला कमान इन इस्तीफों को लेकर क्या रुख अपनाता है और क्या फैसला लेगा। और लगातार जारी है, जैसे कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ देश भर में अपना प्रचंड लहरा चुकी है और कांग्रेस ने जिस तरह से करारी हार का मुंह देखा है उसके बाद से ही कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं और अब अलग अलग 3 प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफा सौंपा है। यहां तक कि नतीजे आने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी बैठक में अपना इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके हैं, जिसे बैठक के सदस्यों ने नामंजूर किया था। लेकिन अब एक के बाद एक सभी दिग्गज नेता, अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पास हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी इस पूरे इस्तीफों के दौर पर क्या रुख अपनाते हैं, क्या फैसला लेंगे।